Hi. Good morning to all of you. As you know, my name is Rajesh Kuria. I am assistant professor of mechanical engineering department of Delhi Polytechnic. Today I am going to teach you the numerical on beams reaction. This is the third class of the numerical on beams reaction, and for the second year mechanical engineering students. राइट सो आज का जो क्लास में हम लोग दिस इज लास्ट क्लास ऑफ न्यूमेरिकल ऑन बीम्स रिएक्शन. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे. और कल का व्हाट्सएप में हम गूगल में कुछ नोट्स भी हम अपलोड किए थे जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल है जिसमें जो प्रैक्टिस करने के लिए हम दिए थे. तो आई थिंक तुम लोगों को मिला है या नहीं मिला है व्हाट्सएप में? मिल गया सर. मिला सर. ठीक है. वो जो न्यूमेरिकल जितना मैं न्यूमेरिकल दिया हुआ है लगभग 29 पेजेस का एक पीडीएफ फाइल अपलोड किया गया था. 29 पेजेस का जो पीडीएफ फाइल में वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है बीम्स रिएक्शन के ऊपर. तो वो सारा न्यूमेरिकल तुम लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली सेमेस्टर में उसी तरीके का न्यूमेरिकल आएगा और तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट भी है वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा. राइट. तो आज हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे जो बेसिकली हिंज जॉइंट के ऊपर है और न्यूमेरिकल इंक्लाइंड लोड के ऊपर है. उस तरीके का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बहुत ध्यान से देखना और अच्छे से समझना. और एक स्टूडेंट जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मैं अभी आज दो स्टूडेंट को करने नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जब कैलकुलेशन करूंगा तुम लोग भी अपने पास जो किताब कॉपी एंड कैलकुलेटर रेडी रखो ताकि तुम लोग भी कैलकुलेट करके मुझे आंसर बोल पाओगे ताकि हम लोग ये न्यूमेरिकल को जल्दी जल्दी निकल पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे. राइट. तो जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है. एक सिंपली सपोर्टेड बीम है. राइट. सिंपली सपोर्टेड बीम है. यहां पे एक हिंज जॉइंट है और यहां पे एक रोलर जॉइंट है. एक सिंपली सपोर्टेड बीम दो टाइप का जॉइंट के ऊपर बैठा हुआ, एक हिंज है और एक रोलर है. उसके ऊपर 20 किलो न्यूटन का एक लोड पड़ रहा है, 20 किलो न्यूटन का एक लोड पड़ रहा है. राइट. और एक लोड पड़ रहा है 40 किलो न्यूटन का, बट वो पड़ रहा है 30 डिग्री एंगल में. इंक्लाइन लोड पड़ रहा है 40 किलो न्यूटन का, इंक्लाइन लोड 30 डिग्री एंगल में सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर पड़ रहा है. ये मेरा नाम है ए, ये मेरा नाम है बी, इसका बीच में नाम है डी एंड सी. ए बी डी एंड सी दोनों चारों का जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर. अब ये तुम लोगों के सामने न्यूमेरिकल है. जो न्यूमेरिकल में इंक्लाइन लोड दिया हुआ है तो अब हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो पहला बात है, अब भाई मुझे बताओ कि इस तरीके का न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते. सर सबसे पहले हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई एंड समेशन ऑफ एम को जीरो करेंगे. नहीं नहीं वो तो सही है, उसके पहले ये तो तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है ना, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसमें रिजल्टेंट देंगे सर. रिजल्टेंट पहले देंगे सर, इसमें आर ए एंड आर बी. रिजल्टेंट देंगे ना, ये रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन, सॉरी ये रिएक्शन देंगे सर. आर ए एंड आर बी, आर ए एंड आर बी रिएक्शन देंगे. आप मुझे बताओ सर, आर ए रहेगा 30 डिग्री इंक्लाइंड में. आर ए रहेगा 30 डिग्री इंक्लाइंड. आर यू श्योर? एक्स एक्सिस के साथ. आर यू श्योर? आर यू श्योर 60 डिग्री? यस सर. तो चलो आर ए रहेगा 20 किलो न्यूटन, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 40 किलो न्यूटन 30 डिग्री एंगल मेंटेन करके रहेगा. ये मेरा 30 डिग्री है और आर बी पॉजिटिव, आई मीन वर्टिकल होगा या इंक्लाइंड होगा? आर बी वर्टिकल होगा या इंक्लाइंड होगा? वर्टिकल है सर. इंक्लाइंड सर. ध्यान से बोलो, वर्टिकल होगा सर. आर बी वर्टिकल होगा, आर बी वर्टिकल होगा. एक चीज ध्यान दोगे, अगर मेरा 40 किलो न्यूटन लोड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ना, 40 किलो न्यूटन लोड जो है मेरा इस डायरेक्शन में, राइट? यस और नो? यस सर.
तो इसीलिए ये 40 किलो न्यूटन को इक्विलिब्रियम करने के लिए, ये 40 किलो न्यूटन लोड को बैलेंस करने के लिए हमने तो थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कीजिए ना सर, बोर्ड को थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, नहीं दिख रहा बोर्ड नीचे करें, दिख रहा है सर। ये 40 किलो न्यूटन लोड इस डायरेक्शन में पड़ा है और इस लोड को बैलेंस करने के लिए हम लोग आर ए को एंगुलर किया। अगर मेरा 40 किलो न्यूटन लोड इस डायरेक्शन में पड़ता तो फिर मेरा आर ए एंगुलर होता या आर ए इंक्लाइन होता या आरबी इंक्लाइन होता? आरबी इंक्लाइन होता, इंक्लाइन होता, सर आरएन होता सर, आरबी तो सर रोलर में ना है तो वो इंक्लाइन कैसे होगा, आरएन है लेकिन हमको तो बैलेंस करना है ना लोड को, ये चीज हमेशा ध्यान देना। अगर मुझे लोड को बैलेंस करना है तो मुझे जिस डायरेक्शन में लोड दिया जाएगा, अगर मेरा इस डायरेक्शन में लोड है तो आरए मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर मेरा आर अगर मेरा लोड इस डायरेक्शन में गिरता तो इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए अगर मैं यहाँ पे इंक्लाइन करता तो मेरा दोनों ऐसे कोइंसाइड होता, इट्स नॉट अ इक्विलिब्रियम। लेकिन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं इंक्लाइन लोड दूंगा तभी जाके मेरा ये वाला इंक्लाइन लोड इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा। ये सर नो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? यस सर। ये समझ में आया? ये समझ में आया बाकी स्टूडेंट? समझ में आया बाकी स्टूडेंट? यस सर। ओके, तो अभी मेरा फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया हूं आरए इस तरीके से इंक्लाइन में। अब मुझे आरए का एंगल मुझे पता नहीं है, आरए का जो एंगल है वो एंगल मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको अल्फा बनाया, ये मेरे लिए एक अननोन एंगल है तो इसीलिए मैंने इसको अल्फा बनाया। ये मेरा 30 डिग्री है, 40 किलो न्यूटन है, 20 न्यूटन है, आरए है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड। इस फ्री बॉडी डायग्राम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड, हाथ बढ़ाओ, हाथ निकालो। किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? यस और नो? सर आरबी के साथ कोई इंक्लाइनेशन नहीं होगा? नहीं, आरबी के साथ इंक्लाइनेशन इसलिए नहीं हो रहा है, ध्यान देना, लोड मेरा अभी इस डायरेक्शन में 40 किलो न्यूटन, राइट? यस और नो? यस सर। तो इस लोड को अगर कोई लोड अगर ऐसे जा रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में एक लोड देते, ठीक? यस। लेकिन अगर ये 40 किलो न्यूटन लोड ऐसे गिरता, ऐसे गिरता, कुछ इस तरीके से गिरता अगर 40 किलो न्यूटन लोड, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे आरबी को इंक्लाइन करना पड़ता। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। ओके, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आएंगे कि हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब मुझे बोलो अभय, अभय मुझे बताओ कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सर पहले अल्फा का वैल्यू निकालेंगे जो कि 30 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 डिग्री होगा, मान के चलते हैं कि ये आरए का जो अल्फा है ये अल्फा आरए, पहले ही बताया ये आरए का जो अल्फा है ये अल्फा आरए, तो हम कैसे करेंगे इसको? पहला काम है मेरा सेम, पहले हम देखेंगे तीन कंडीशन, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एम ऑफ इक्वल्स टू 0। ध्यान दो, पहले हम ही बता दे रहे, पहले सीख लो, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एम इक्वल्स टू 0, ये तीन कंडीशन को हमको एक्सेप्ट करवाना है। तो हम पहले देखेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो हम देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में पिछला जितना भी न्यूमेरिकल करवाए थे उसका एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, लेकिन अभी इस न्यूमेरिकल में मैं देख रहा हूं ये जो मेरा 40 किलो न्यूटन है ये 40 किलो न्यूटन 30 डिग्री एंगल में है, तो इसका एक एक्स कंपोनेंट बनेगा, एक वाई कंपोनेंट बनेगा। एम आई राइट और रॉन्ग बॉयज? एम आई राइट और राइट सर? यस सर। राइट सर। ओके, तो
तो एक बनेगा मेरा एक्स कंपोनेंट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 40, क्या लिखेंगे इसको, एक्स कंपोनेंट को मैं क्या लिखूंगा, cos 30 सर, 40 cos 30 डिग्री, 40 cos 30 डिग्री, y कंपोनेंट को क्या लिखूंगा सर, 40 sin 30 डिग्री, 40 sin 30 डिग्री। अब भाई बहुत आवाज आ रही है, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। ओके, आरए को क्या लिखूंगा, आरए को अगर मैं वही सेम cos कंपोनेंट एंड sin कंपोनेंट, देखो आरए का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसका cos कंपोनेंट भी अपवर्ड एंड sin कंपोनेंट को, सॉरी ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, इसका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका जो cos कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और sin कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा यहां सर, आरए cos अल्फा, आरए cos अल्फा, आरए cos अल्फा, और यहां पे क्या लिखूंगा, आरए sin अल्फा, आरए sin अल्फा, आरए sin अल्फा। तो मैंने अभी इस फ्री बॉडी डायग्राम में जितना मेरा इंक्लाइन फोर्स था वो सारे फोर्स को दो कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक इस कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट मेरा वाई कंपोनेंट है, या तो मैं बोल सकता हूं एक कंपोनेंट मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट मेरा वर्टिकल कंपोनेंट। अभी मेरा समेशन fx इक्वल्स टू 0 मैं करूंगा, तो अब मुझे कौन बताएगा, मुझे बताएगा है बताएगा मुझको कौन बताएगा शिवम कुमार चौधरी बताओ मुझे एक्स डायरेक्शन में क्या क्या होगा। सर x डायरेक्शन में नेगेटिव में आएगा सर 40 cos 30 डिग्री, एंड मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं लेफ्ट साइड से, हमेशा कोशिश करोगे जब भी कोई ड्राइंग होगा उसका लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी, तो लेफ्ट साइड से मुझे बताओ x डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस। सर पॉजिटिव आरए cos अल्फा, पॉजिटिव आरए cos अल्फा, y पॉजिटिव सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की और डायरेक्शन है सर, मतलब ये राइटवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की और डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग पॉजिटिव आरए cos अल्फा। उसके बाद यस सर, उसके बाद सर माइनस 40 cos 30 डिग्री, वाई माइनस सर नेगेटिव एक्स एक्सिस की और सर लेफ्ट साइड में डायरेक्शन। और क्या लिखेंगे सर, और कोई फोर्स नहीं है सर एक्स डायरेक्शन में, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आर ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, कोई बताएगा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, 1/√3/2 कितना होगा वैल्यू, 34.64। तो आर ए कॉस अल्फा 34.64 यही ना, यस सर, ओके, यस सर। तो आरए cos अल्फा इक्वल्स टू आया है 34.64। अब मेरा काम क्या है शिवम सर, FY में निकालेंगे सर सारा फोर्सेस। अब सारा फोर्स FY में निकालेंगे, आप मुझे बताओ FY में कैसे करेंगे, थोड़ा बोलो क्या लिखेंगे FY में। सर सबसे पहले आएगा 20 किलो न्यूटन पॉजिटिव क्लॉकवाइज, इसलिए सर क्लॉकवाइज फोर्स के टाइम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई बात ही नहीं। ओ यस सर, 20 किलो न्यूटन नहीं, पहले मैं यहां से जाऊंगा ना लेफ्टवर्ड में, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट यस सर, फोर्स है आरए sin अल्फा, आरए sin अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव सर, पॉजिटिव, ये क्या सही बोल रहा है, यस सर, अपवर्ड आर ए साइन अल्फा पॉजिटिव। उसके बाद नेगेटिव 20 किलो न्यूटन, नेगेटिव 20 किलो न्यूटन, उसके बाद सर नेगेटिव 40 साइन 30 डिग्री, नेगेटिव 40 साइन 30 डिग्री, उसके बाद पॉजिटिव आर बी, पॉजिटिव आर बी इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो यस सर। इसको कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है कोई बताओ, कि आरए साइन अल्फा माइनस आरए साइन थीटा प्लस, हाँ आरए साइन थीटा प्लस आरबी इज इक्वल टू 40।
ना आर ए साइन अल्फा प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना होगा, वैल्यू कितना होगा? 40 होगा सर। हाँ 40 होगा, सो 40 ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हुआ आर ए साइन अल्फा प्लस आर बी इज इक्वल टू 40, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ठीक है, ठीक है, क्लियर ना? अब हम लोग अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग क्या देखेंगे शिवम सर? समेशन एम निकालेंगे सर। समेशन एम निकालेंगे, कौन सा पॉइंट के रिस्पेक्ट में समेशन एम निकालेंगे शिवम? सर ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। सर ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकालेंगे, तो मुझे बताओ ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट जब निकालूंगा तो ए पॉइंट, तो मेरा ये ए पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब मैं मोमेंट निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखूंगा थोड़ा सा मुझे बताओ। सर 20 × 2। फिर वही गलती, बार बार एक ही गलती नहीं दोहराओ, तुम एक्सट्रीम लेफ्ट से कर रहे हो। तो एक्सट्रीम लेफ्ट यस सर, कौन सा फोर्स है? आर ए साइन अल्फा। तो आर ए साइन अल्फा इनटू क्या लिखेंगे? जीरो सर, जीरो डिस्टेंस जीरो, अल्फा इनटू जीरो होगा सर। हाँ तो बोलो वो आर ए साइन अल्फा इनटू जीरो, क्यों जीरो, वाई इज जीरो, वाई डिस्टेंस जीरो है सर, डिस्टेंस नहीं है सर। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, आर ए के साथ आर ए साइन अल्फा इक्वल्स टू जीरो। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे सर? 20 × 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा सर, क्लॉकवाइज है। क्यों क्लॉकवाइज है? ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर 20 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग एज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 20 × 2। नेक्स्ट, उसके बाद सर 40 sin 30 degree, 40 sin 30 degree पॉजिटिव सर। अरे उसके बाद 40 sin 30 degree क्या? इनटू 4 सर, इनटू 4, 40 sin इनटू 4, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये फोर्स डाउनवर्ड है, तो इस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर रोटेशन करेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे सर? 40 cos 30 degree, 40 cos 30 degree सर। आर आर बी, आर बी इनटू 6 सर, कोई बताओ कि कितना वैल्यू आ रहा है आरबी का? 20 है सर। 20 अल्फा का वैल्यू चाहिए, यस सर। और अल्फा का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे ये आरबी का वैल्यू अगर मैं ये इक्वेशन में बैठाता हूं तो मैं लिख सकता हूं आर ए साइन अल्फा प्लस 20 इक्वल्स टू 40। ये आरबी का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं तो लिख रहा हूं आर ए साइन अल्फा प्लस 20 इक्वल्स टू 40, तो आर ए साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? 20 आर ए साइन अल्फा इक्वल्स टू 20। अब देखो आर ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू 34.64, आर ए साइन अल्फा इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं। अब डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर थ्री विथ इक्वेशन नंबर 1, ध्यान देना, डिवाइडिंग बाई इक्वेशन नंबर 3 विथ इक्वेशन नंबर 1, व्हाट वी गेट, क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में? क्या है आर ए साइन अल्फा
इज इक्वल टू 20 इसके साथ इक्वेशन नंबर 1 आर ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू 34.64 इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे आर ए आर कट जाएगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल्स टू मैं टेन अल्फा लिखूंगा सो टेन अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा कोई बताएगा टेन अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा बोलो जल्दी बताओ 0.57 टेन अल्फा इक्वल्स टू 0.57 अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री ये समझ में आया ये प्रोसेस समझ में आया यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ में आया सबको यस सर यस सर बाकी स्टूडेंट समझ में आया यस सर ओके यस सर ओके अमर क्या बोल रहे हो जो हैंड रेस की हो बताओ जो हैंड रेस की हो बताओ सर पूछ रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं निकाल सकते हैं अल्फा का वैल्यू यहां पे अल्टरनेट एंगल्स हम लोग निकाल सकते हैं ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते लेकिन मैं क्यों दिखाया क्योंकि हम क्या होता है ना इस न्यूमेरिकल में अल्टरनेट एंगल समझ में आ रहा है ठीक है लेकिन कभी कभी क्या होता है ना इसमें इंटीरियर रहता है 40 किलो न्यूटन 30 यहाँ पे 30 डिग्री में बैठता है मान के चलो 40 किलो न्यूटन बैठ रहा है ऊपर में इंटीरियर है तो कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिकल केस मैं थियोरिटिकल कंसिडरेशन कर ही नहीं रहा हूँ अगर मुझे प्रैक्टिकल कंसिडरेशन मुझे अगर कभी करना पड़ता है तो देखो ये एंगल टोटल 30 डिग्री नहीं आया है ये एंगल कितना है 29.98 डिग्री मतलब 0.2 डिग्री का गैप है यस और नो यस सर 0.2 डिग्री का गैप है तो इसीलिए मैंने बोला आ रहा है सर 30 डिग्री इसीलिए मैंने बोला कि अल्फा को अल्टरनेट एंगल करके ना करके हम लोग कैलकुलेशन करके अल्फा को निकालेंगे क्योंकि मेबी अगर मान के चलो यहां पे अगर यूडीएल है और इन केस एग्जांपल इन केस अगर यहाँ पे 40 किलो न्यूटन के बदले साथ साथ और एक 30 किलो न्यूटन का लोड अगर गिरता और सडन एंगल में गिरता तब तुम्हारा ये अल्टरनेट एंगल क्या होता एम आई क्लियर है भाई यस सर अगर मैं 40 किलो न्यूटन 30 डिग्री में एक लोड है लेकिन अगर चार दो लोड अगर ऐसे एंगल में गिरता तब तुम किसके साथ कितना एंगल कट बनाते इसको नहीं बना पाते ना तो इसीलिए दिस इज द ट्रिक दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एंगल व्हिच इज अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री एम आई ओके एवरीवन यस सर ओके तो अगर अभी मान के चलो अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री बैठ गया तो मैं ये अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री का वैल्यू अगर ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो cos r a cos 30 डिग्री यहां से आएगा r a cos 30 डिग्री इक्वल्स टू 34.64 तो यहां से मैं r a का वैल्यू निकाल पाऊंगा यस सर कितना होगा बताओ 20 है सर r a का वैल्यू 40 सर r a का वैल्यू होगा 40 किलो न्यूटन क्लियर विद एवरीवन समझ में आया सबको यस सर बाकी स्टूडेंट यस सर मैं सबसे सुनना चाहता हूँ ये समझ में आया ना अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देंगे तब यस सर ठीक है तो मैं आरबी का वैल्यू 20 किलोमीटर आरबी का वैल्यू 40 किलोमीटर ये मेरा हो गया है अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल करेंगे और सेकेंड न्यूमेरिकल मुझे कौन बताएगा मुझे बताएगा रोहित कुमार मंडल सेकेंड न्यूमेरिकल मुझे बताएगा रोहित कुमार मंडल रोहित तुम फ्रंट लाइन पे आ जाओ ठीक है सर अच्छा पहले हम न्यूमेरिकल तो दे रहे एक सेकेंड सेकेंड न्यूमेरिकल को कुछ ऐसे एक
एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये 45 डिग्री एंगल है ना, रोलर 45 डिग्री एंगल के इस साइड में बैठा हुआ है, हुआ? उसके बाद ये मेरा 4 किलो न्यूटन है, ये मेरा 6 किलो न्यूटन है, 6 किलो न्यूटन, और यहाँ पे मेरा है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, और बाकी इस साइड में एक हिंज बैठा हुआ है, एक हिंज बैठा हुआ है, ठीक है, ये हिंज, ओ अच्छा, ये हिंज भी एक एंगल में बैठा हुआ है, वन सेकेंड, ये हिंज भी एक एंगल में बैठा हुआ है, कुछ ऐसे दिखाया है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हिंज अल्फा एंगल में बैठा हुआ है, जिसका ये है मेरा आरबी, आरबी, ठीक है, ये तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल है, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, और ये लास्ट वाला भी 2 मीटर है, ठीक है, लास्ट वाला भी 2 मीटर, रोहित क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर, ठीक है, अब तुम सोचो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। सर फर्स्ट वाला का 45 एंगल है। हाँ 45 इस साइड से एंगल, ठीक है, और हिंज अल्फा एंगल में बैठा हुआ है, आरबी अल्फा एंगल में बैठा हुआ है, राइट, और यहाँ पे 45 डिग्री एंगल में रोलर बैठा हुआ है, तो आरए का एंगल कितना होगा वो पहले कैलकुलेट करना होगा, आरए का एंगल कितना होगा, करो जल्दी करो, अभय स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, आज 68 स्टूडेंट प्रेजेंट है, हाँ yes, सर आरए का एंगल 45 डिग्री आ रहा है, आरए का एंगल 45 डिग्री आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन बोला, रोहित कौन बोला, शिवम, यस सर, शिवम 45 डिग्री कैसे आ रहा है, थोड़ा बताओ, कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, यस सर, बताओ सर, जैसे 45 डिग्री पहले एंगल बनाया, उसके बाद बना हुआ है, उसके बाद जो इधर से आरए का रिएक्शन आएगा सर, इधर से आरए का रिएक्शन आएगा, यस सर, ओके आरए, बताओ सर, आरे जो एक्शन है सर उसको एक्सटेंड करेंगे तो सर 90 डिग्री पे जाएगा सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्लस थोड़ा छोटा हो गया क्या, और एक बार दिखा दे रहा हूं, इस तरीके का न्यूमेरिकल में ये मुझे बोल दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री बोल दिया गया है, और ये इंक्लाइंड है क्योंकि यहाँ पे हिंज भी इंक्लाइंड है और ये भी इंक्लाइंड है, राइट, तो यहाँ पे जब भी मैं रिएक्शन को इंक्रीज करूंगा या एक्सटेंड करूंगा तो ये आरए, ये जो रिएक्शन फोर्स है आरए, ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल में मीट करता है,
ठीक है, ये मेरा 45 डिग्री है और ये आरए को जब मैं एक्सटेंड करूंगा ये ट्रायंगल का इस आर्म के साथ, तो ये बीच में 90 डिग्री एंगल प्रोड्यूस करता है। जब ये बीच में 90 डिग्री एंगल प्रोड्यूस करता है और ये अगर 45 डिग्री है तो ट्रायंगल का रिमेनिंग जो एंगल वो कितना होगा, कोई बताएगा? सर 45 डिग्री। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? यस सर। बाकी स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। यस सर। सबसे आंसर चाहता हूँ। यस सर। यस सर। तो अभी ये है मेरा हिंज और रोलर का फ्री बॉडी डायग्राम। आर ए जो 45 डिग्री एंगल करके बैठा हुआ है, आर बी जो अल्फा एंगल करके बैठा हुआ है, तो मैं अगर इन लोगों का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इस तरीके का बनेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ये मेरा आर ए क्या लिखेंगे इसमें और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? आर ए साइन 45, इसमें आर ए कॉस 45, आर ए कॉस 45 और इसमें क्या लिखेंगे? आर ए साइन 45, आर ए साइन 45, साइन 45 और इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? आर बी कॉस अल्फा, आर बी साइन अल्फा। इसको लिखेंगे आर बी कॉस अल्फा, इसको लिखेंगे आर बी साइन अल्फा। समझ में आया? ये समझ में आया? यस सर। यस सर। अब रोहित आओ, रोहित आओ। यस सर। अब रोहित तुम मुझे कैलकुलेशन करके बताओगे और क्या लिखेंगे वो बताओगे। इतना दिन से जैसे लड़ता लोग बाकी स्टूडेंट बता रहा था, अब तुम मुझे बताओगे। अब बोलो मुझे क्या करना है। ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है, अब हम क्या लिखेंगे? सर समेशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0 और मोमेंट अबाउट a इज इक्वल्स टू 0। चलो समेशन fx इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0, समेशन मोमेंट इक्वल्स टू 0। तो पहले समेशन fx इक्वल्स टू 0 करेंगे। मुझे बताओ क्या क्या फोर्स है? यस सर। माइनस r a cos 45 e प्लस r a cos 45 प्लस r a cos 45 प्लस q है सर, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव। और उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस आरबी कॉस अल्फा, माइनस आरबी कॉस अल्फा। और क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। देखो पूरा डायग्राम में सिर्फ यही दोनों फोर्स है जो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है। One is RA cos 45 and second one is RB cos alpha. Clear? यही दोनों force है, यही दोनों x direction में force है, इसीलिए हम लोग ये दोनों force को लिए। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा, so RB cos alpha is equal to RA cos 45 degree का value कितना है? 1/√2, 1/√2 ना? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूँ आर ए बाई रूट टू, सो आर ए इक्वल्स टू रूट टू, रूट टू आर बी कॉस अल्फा। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करे, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करे। ओके सबको समझ में आया है। अब भाई तुम भेज दिए, अब भाई स्क्रीनशॉट भेज दिए? यस सर। यस सर। ओके आर ए इक्वल्स टू रूट टू आर बी कॉस अल्फा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा क्लास खत्म हो जाएगा तो इंस्टेंट ज्वाइन करना, ठीक है? और दो तीन मिनट बचा हुआ है, ठीक। आर ए इक्वल टू रूट टू आर बी कॉस अल्फा। आप मुझे बताओ क्या करेंगे रोहित? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। हां तो बोलो, ठीक है सर। सर इसमें माइनस माइनस आर ए साइन 45, माइनस आर ए साइन 45 क्यू, माइनस हो गया प्लस होगा सर? प्लस 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 आर ए साइन 45 प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस 4,
माइनस 4 किलो न्यूटन, उसके बाद माइनस 6 किलो न्यूटन, माइनस 6 किलो न्यूटन, माइनस 10 किलो न्यूटन, माइनस 10 किलो न्यूटन, और सॉरी किलो न्यूटन, किलो न्यूटन क्यों बोल रहे हैं, प्लस आरबी साइन अल्फा, हम भी वही लिख रहे हैं, 4 माइनस 6 माइनस 10, उसके बाद प्लस आरबी साइन अल्फा, प्लस आरबी साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, यही लिखेंगे ना, इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से कैलकुलेट करके मुझे बता, आर ए साइन 45 डिग्री माइनस 20 मतलब प्लस आर बी साइन अल्फा इक्वल्स टू 20, 6 4 10 10 20, राइट। सो आर साइन 45 डिग्री का वैल्यू है रूट टू, राइट। सो आर ए बाई रूट टू प्लस आर बी साइन अल्फा इक्वल्स टू 20, सो आर ए प्लस रूट टू आर बी साइन अल्फा is equal to 20 into root 2। ये समझ में आया, ये कैलकुलेशन समझ में आया, ये कैलकुलेशन समझ में आया। बाकी लोग यस सर, यस सर, सिंपल प्लस किए, आर ए प्लस रूट टू इंटू आर बी साइन अल्फा किए आप, क्योंकि इसके साथ इसको प्लस करेंगे तो रूट टू नीचे रह जाएगा, और रूट टू को इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई किए, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, आर ए प्लस रूट टू आर बी साइन अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा बताओ, कोई कितना होगा, 20 इंटू रूट टू का वैल्यू 28.28। यही मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, नाउ हमको क्या करना है और क्या स्टेप बनाना है मुझे बताओ। Summation of moment is equals to y zero. Summation of moment equals to zero. Moment किस point के respect में लोगे? A. A point के respect में लेंगे। तो summation of moment of A equals to zero. देखो, जब एक चीज कभी class खत्म हो जाए तुरंत join कर लेना पहला। दूसरा चीज है, जब भी इस तरीके का hinge और joint related numerical रहेगा, हम लोगों को देखना होगा angle. देखो, अगर angle calculation हो जाएगा और component ओके, तो जब एंगल अगर कैलकुलेशन हो जाएगा तो हम लोगों के लिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं, इट्स वेरी मच इजी। बस हम लोगों को पहले किसी भी हालत में एंगल कैलकुलेशन हम लोगों को बहुत जरूरी। तो रोहित मुझे बताओ, मोमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले सर आर ए साइन 45 इनटू 0, आर ए साइन 45 इनटू 0, वाई आर ए साइन 45 इनटू 0 क्यों करेंगे सर? डिस्टेंस जीरो है इसका, डिस्टेंस जीरो, ए पॉइंट पे निकाल रहा सर उसी पॉइंट। ओके ठीक है सर, फिर सर आपका उसके बाद सर प्लस 4 2 प्लस 4 इनटू 2 इनटू 2 क्यू प्लस क्यू किए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर, क्लॉकवाइज ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में 4 किलोन्यूटन जब लोड कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका मोमेंट होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस 6 इनटू 4, प्लस 6 इनटू 4, प्लस 10 इनटू 6, प्लस 10 इनटू 6, माइनस आरबी साइन अल्फा इनटू 6, आरबी साइन अल्फा इनटू 6 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, यही है ना? यस सर। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये मेरा जीरो आ जाएगा, ये 8, 8, 24, 32, 32 और 60, 92, सो माइनस 6 आर बी साइन अल्फा इज इक्वल टू 92, माइनस 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 कट गया सर, वहाँ पे आर बी साइन अल्फा इंटू 6 होगा या 8 होगा सर? हाँ 8 होगा, थैंक यू, 8 होगा, दो 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 और यहाँ पे ऊपर में दो डिस्टेंस था, इसलिए 8 होगा। सो यहाँ पे भी
तो rb sin 8 rb sin alpha equals to 92 so rb sin alpha का वैल्यू कितना होगा कोई बताएगा 8 rb sin alpha equals to 92 तो rb sin 11.5 11.5 सर 11.5 तो rb sin alpha का वैल्यू आया 11.5 तो rb sin alpha equals to अगर 11.5 है और ये rb sin alpha का वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या मुझे ra का वैल्यू मिलेगा देखो तो यस सर 12.02 किलोमीटर ra इज इक्वल प्लस रूट 2 इनटू rb sin alpha का वैल्यू 11.5 इक्वल्स टू 28.28 यहां से अगर मैं ra कैलकुलेशन करूंगा तो ra का वैल्यू कितना आ रहा है 12.02 which approximately 12 kilonewton right अब RA का वैल्यू देखो RA का वैल्यू 12 kilonewton है ठीक है RA का वैल्यू मुझे कितना kilonewton मिला 12 kilonewton मिला RB sin alpha equals to 11.15 okay RB sin alpha RB cos alpha is equal to RA by root 2 okay अब देखो ठीक है अब ध्यान देना कैसे करूंगा RA equals to 12 kilonewton है तो मैं इक्वेशन नंबर 1 पे बैठा रहा हूं ध्यान देना इक्वेशन नंबर 1 पे बैठा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 पे लिखा हुआ है RA equals to root 2 RB cos alpha RA का वैल्यू कितना है 12 kilonewton है तो मैं RA का जगह पे 12 बैठाया हूं root 2 RB cos alpha तो RB cos alpha का वैल्यू कितना आया कोई बताएगा RB cos alpha का वैल्यू 12 by root 2 कितना वैल्यू आएगा 8.48 तो RB cos alpha equals to आया 8.48 सोचो ये इक्वेशन नंबर मेरा 4 है RB cos alpha equals to 8.48, RB sin alpha equals to 11.5. तो अगर मैं equation number 4 divided by equation number अगर sorry equation number 3 divided by अगर मैं equation number अगर 4 करूँगा equation number 3 divided by अगर equation number 4 करूँगा तो RB sin alpha divided by RB cos alpha equals to 11.5 divided by 8.48 आएगा तो यहां से RB RB अगर कट जाएगा तो tan alpha equals to कितना आएगा बताओ कैलकुलेट करके 1.36 हां 1.36 सो alpha का वैल्यू कितना आएगा 53.59 alpha का वैल्यू आया देखो यहां से इस तरीके का गया है न्यूमेरिकल अल्फा का वैल्यू आया 53.59 डिग्री देखो अल्फा का वैल्यू एकदम सही आंसर आया है हमको आर ए का वैल्यू मिल गया अल्फा का वैल्यू मिल गया अब मुझे आर बी वैल्यू चाहिए अब अल्फा का वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूंगा आर बी sin ऑफ 53.59 डिग्री इक्वल्स टू 11.5 तो मेरा आर बी का वैल्यू कितना आएगा कोई बताओ ना बताओ RB का वैल्यू कैलकुलेट करके कितना आएगा जल्दी बताओ 14.3 है सर 14.38 किलोन्यूटन सो दिस इज द राइट आंसर RB का दिस इज द राइट आंसर RA का एंड दिस इज द राइट आंसर alpha एम आई क्लियर विद एवरीवन एम आई क्लियर विद एवरीवन यस सर यूट्यूब में अपलोड करके मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन ये क्लास और ये दो न्यूमेरिकल मैंने कैसे सॉल्व किया ये बहुत अच्छे से देखना जरूरत पड़ेगा तो बार बार देखना ये वीडियो तो और इसको जब देखना तब अपना किताब कॉपी में उसको प्रैक्टिस करना तब जाके ये समझ में आएगा राइट
सो नेक्स्ट डे से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ेंगे. सो ये इसमें अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. ओके, और इफ यू हैव एनी डाउट. हेलो सर. हाँ बोलो सर. जैसे इसमें हम लोग सॉल्व किए पूरा न्यूमेरिकल, तो fx fy जो निकाले वो क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान के निकाले. fx fy के टाइम पे क्लॉकवाइज तो निकाले वो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के. fx fy के टाइम पे क्लॉकवाइज क्यों होगा शिवम? हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तब मानते हैं जब मैं मोमेंट निकालता हूं. यहां पे क्या कोई मोमेंट बनाया हुआ है सर? तो अगर डायरेक्शन भी देखेंगे सर, तो नीचे का डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव हो जा रहा है और मोमेंट में अगर मेरा ये हो रहा है और x एक्सिस से ये मेरा x डैश, ये मेरा y, ये मेरा y डैश, यहां पे x y पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे x y माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव और यहां पे y नेगेटिव सॉरी x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, ये तुमको पता है ना? यस सर. ओके, अब अगर मेरा सिर्फ मैं फोर्स, जब मैं समेशन एपेक्स एंड समेशन एफवाई कर रहा हूं, इसका मतलब मैं सिर्फ फोर्स देख रहा हूं, सिर्फ फोर्स, देयर इज नो मोमेंट. फोर्स जब देख रहा हूं तब कोई फोर्स अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में? ये वाला फोर्स वाई में है सर, वाई में. तो y डायरेक्शन में जब ये फोर्स है, इसका अगर डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये क्या पॉजिटिव y की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इशारा नहीं कर रहा है? यस सर. तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग पॉजिटिव, सिर्फ फोर्स के केस में पॉजिटिव. और जब ये कोई फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी मेरा वर्टिकल एक्सिस है और ये सिर्फ नेगेटिव को शो कर रहा है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एज नेगेटिव. यस सर. तो जब मोमेंट में सर जब आ रहे अब अगर जब मोमेंट कर रहे हैं, मोमेंट मतलब क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर ये मेरा फोर्स है, तो इस फोर्स के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर मैं इस अगर मेरा फोर्स अगर ऐसा रहता, तो ये फोर्स के रेस्पेक्ट में ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ठीक. अब इस yes, sir. इस केस में तुम बोल रहे हो कि सर ये कैसे पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब भी मोमेंट निकालते हैं, कोई ना कोई पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकालते हैं. यस और नो? यस सर. तो जब मैं ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकाल रहा हूं, तो ए पॉइंट को अगर मैं फिक्स करूंगा, और अगर फोर्स मेरा इस कंडीशन में है, और इसको अगर मैं इस कंडीशन में, तो ये वाला आर्म को अगर मैं इमेजिन करूंगा रोटेट करने के लिए, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज करेगा सर. तो जब क्लॉकवाइज करेगा तब डायरेक्शन पॉजिटिव है. और अगर मेरा कोई फोर्स अगर इस कंडीशन में है, देखो ये मेरा ए पॉइंट है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मेरा फोर्स ये है, तो ये अगर इसको अगर मैं घुमाने की कोशिश करूंगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा. यस सर. तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो मतलब नेगेटिव होगा. एम आई क्लियर? हेलो सर. हां दीप दुर्योधन बोलो. सर अल्फा बराबर क्या लिखे हैं सर? ये नहीं दिख. ये यस सर. अल्फा इक्वल्स टू 53.59 डिग्री. यस सर. ओके सर. आरबी का वैल्यू 14.28 आ रहा है सर. आरबी का वैल्यू 14.2 कोई इशू नहीं है, 14 किलो न्यूटन आएगा, 14 से लेकर 14.5 के अंदर वैरी करेगा, क्योंकि हम लोग कैलकुलेटर में जब कैलकुलेट करते हैं, तब पॉइंट का बाद एक दो डिजिट को ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर जब एकदम से कैलकुलेशन करता है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट 4 डिजिट लेकर कैलकुलेट करता है, इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन होता है, लेकिन जिसका आंसर 14 से लेकर 14.5 के अंदर रहेगा, उसका आंसर सही है. यस सर. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? नो सर. ओके अभय, तुम स्क्रीनशॉट भेज दिए मुझे इस क्लास का? सर इसका भेज दे रहे सर. तुरंत भेजो. और इस क्लास में 65 लड़का प्रेजेंट है, पिछला क्लास में 66 लड़का प्रेजेंट है, एक लड़का प्रेजेंट नहीं है इस आज का क्लास में. ओके ओके. सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास, एंड वी विल मीट विद यू टुमारो. क्या वॉशिंग सौरभ सर? बोरे सर, आप जो पीडीएफ भेजे उसका सर लास्ट वाला से क्वेश्चन सब दो तीन समझ में नहीं आ रहा था. अच्छा ठीक है, हम समझा देंगे. ठीक है. ठीक है सर. ओके ठीक है. ओके सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास. थैंक यू.
ओके ओके थैंक यू.